राजस्थान की फेमस मावा कचौरी, जोधपुर स्टाइल में। मावा कचौरी को आप फेस्टिवलों में या कभी भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है, तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौरी बनाने के लिए मैदे से हम आटा लगाते हैं, मतलब इसका हम डो बना करके तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने 150 ग्राम के जितना मैदा लिया है। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 2 टी स्पून सूजी ऐड कर देंगे, जिससे कचौरियाँ करारी बन करके तैयार होती हैं। 1/4 हिस्सा घी ऐड करेंगे मोयन के लिए। घी को मैदे में मिलाने के बाद बाइंडिंग चेक करते हैं, तो मैदा अच्छे से बाइंड होने लगा है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम सॉफ्ट वाला डो बना करके तैयार करते हैं। कचौरी के लिए मैदे का डो बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं मैदा कितना लचीला और सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। इसी प्रकार के मैदे से कचौरियाँ बहुत अच्छी बन करके तैयार होती हैं और फूलती भी हैं। डो को 5 मिनट रेस्ट करने रख देते हैं, तब तक हम मावे को रोस्ट करके तैयार करते हैं। पैन को गर्म कर लीजिए, उसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए। इसके बाद मावा डालना है। मावा अगर घर में बनाया है और ताज़ा है तो उसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, पर मार्केट वाले मावे को एक बार रोस्ट करना पड़ता है। मावे को ज़्यादा नहीं भूनना पड़ता है, बस घी के साथ 2 से 3 मिनट भूनिए और मावा तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके मावे को हम प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि मावा ठंडा हो जाए। कचौरी के लिए चाशनी बना करके तैयार करते हैं। तो 1 कटोरी हमने शक्कर लिया हुआ है, उसमें 1/2 कटोरी हम पानी ऐड करते हैं। शक्कर से 1/2 क्वांटिटी पानी की रखते हैं, तो चाशनी बहुत जल्दी बन करके तैयार होती है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो चाशनी को काफ़ी उबालना पड़ता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। शक्कर को स्पून से बीच बीच में चलाते रहेंगे तो जल्दी से पिघल करके तैयार हो जाती है। इसमें हमने कुछ इलायची छील के रखी थी, उसके छिलके डाल देते हैं। इसके बाद इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। स्पून से मिलाते हैं और चाशनी को चेक करते हैं, तो चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम मावा को तैयार कर लेते हैं। थोड़े से बादाम, काजू और इलायची पाउडर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम ग्राइंड शुगर ऐड करते हैं। 2 टी स्पून हमने ग्राइंड शुगर ऐड किया है। मावे में सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमने जो डो बना करके रखे थे, उसकी छोटी छोटी सी लोइयां काट करके तैयार कर लेते हैं। हमें कचौरियों का साइज जितना बड़ा रखना है, उस साइज में हम लोइयां काट करके तैयार कर लेते हैं। मेरे चैनल में हरे मटर की खस्ता कचौरी की रेसिपी भी अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लोइयां तैयार करने के बाद एक पेड़े को उठाना है, दोनों हाथों के बीच में गोल गोल घुमाना है और थोड़ा सा चपटा कर देना है। उंगलियों से प्रेस करते हुए इसे फैलाकर हम बड़ा करेंगे। हाथों के बीच में रख करके तैयार किया हुआ मावे का मसाला इसमें भरना है। मावे की गोलियां भी बना करके रख सकते हैं। मसाले को अंदर साइड प्रेस करेंगे। कचौरी के सभी किनारों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए चिपकाएंगे, ताकि सेकते समय ये खुले ना। कचौरी की प्रोसेस आप वीडियो में दिखाए गए अनुसार भी कर सकते हैं। ऊपरी हिस्से को अच्छे तरीके से चिपका दीजिए और हथेलियों के बीच में दबाते हुए कचौरी को फैला करके बड़ा करना है। आपसे ये प्रोसेस नहीं बनती है तो चकले पर रखकर आप बेलन से भी इसे बड़ा कर सकते हैं। तो हमारी सभी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। स्वीट्स वाली दुकानों में कचौरियाँ रिफाइंड ऑयल में सेकी जाती हैं, पर कचौरियाँ घर में बन रही हैं तो हम इसको घी में सेक करके तैयार करेंगे। तो घी हम पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। कचौरी डालते वक्त घी इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसमें अपनी उंगलियों को डुबा करके चेक कर सकते हैं। कचौरी डालने के बाद थोड़ा सा गैस का फ्लेम आपको बढ़ा देना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो कचौरियां हैं फूल करके तैरने लगी हैं।
हमें एक एक करके सभी कचौरियों को पलट देना है और तब तक के सिकने देना है तब तक के कचौरियाँ गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। कचौरियों को सेकने के लिए 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाता है। आप देख सकते हैं कचौरियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, इनको हमें निकाल लेना है। हम और भी कचौरियों को डाल देते हैं और सिकने के बाद उन्हें भी निकाल करके तैयार कर लेते हैं। इन कचौरियों को सर्व करने का भी अपना एक तरीका होता है, तो आपको जितनी कचौरी खाना है उसको तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले कचौरी में हम होल बनाएंगे, तो आप होल फोक की मदद से भी बना सकते हैं। कचौरी को चाशनी के अंदर डुबाना है ताकि कचौरी में चाशनी भर करके रस भरी कचौरी बन करके तैयार हो जाए। कचौरी को निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख देते हैं। दूसरे तरीके से आप कचौरी में बड़ा सा होल बना लीजिए, इसको चाशनी में डुबाइए और स्पून की मदद से आप रस भर के भी कचौरी को तैयार कर सकते हैं। आपसी कचौरियों में रस भरना नहीं बन रहा है, आपका रस इधर उधर टपक रहा है, तो तीसरा फनी मोमेंट आपको बताते हैं। जो इंजेक्शन लगाने वाली सुइयां आती है ना, चाशनी को आप इंजेक्शन में भर के और कचौरियों में आप दवाइयों की तरह डाल सकते हैं। थोड़े से बादाम और काजू से कचौरियों को डेकोरेट किया है। तो मावा कचौरी की रेसिपी आपको कैसी लगी?